अगला जो पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम में यानी कि आयतन में लिखिएगा, दो घनों के आयतन में अनुपात रेशो इन द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, दो घनों के आयतन में अनुपात सत्ताईस अनुपात एक है, इस 27:1 सत्ताईस अनुपात एक है, भुजाओं में अनुपात बताओ, फाइंड रेशो इन देयर साइड्स, भुजाओं में अनुपात बताओ, 3:1 जी 3:1 जिसे नहीं पता है देखिए जो देखना चाहता समझे, बात या घन लिखाओ या घनाभ लिखाओ, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था अभी एक दो दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है पावर 3, तो ये जो आयतन है इसका मतलब है पावर 3 और जो साइड है इसका मतलब है पावर 1, तो अगर कोई वाले मैथमेटिशियन आपसे कहेगी कि पावर 3 से पावर 1 बढ़ानी है तो क्या करोगे, घनमूल कर दोगे उसको यानी कि क्यूब रूट कर दोगे, तो फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है, 27/1 लिखा हुआ था तो ये तो लिखा हुआ है किसमें आयतन में अनुपात है और मुझे निकालनी है किसमें साइड में, तो क्या कर देंगे घनमूल कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे, तो 27 का घनमूल कितना हो गया 3 और 1 का घनमूल 1 ही होता है, आंसर क्या आ गया 3:1। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ये ना पूछ के वो पूछ लेता है कि एरिया में बताओ क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये किस में आ जाएगा एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में, और ये किस में आ गया था साइड में, तो ध्यान में तो हमें बस ये रखना है कि वॉल्यूम है पावर 3, एरिया है पावर 2 और साइड है पावर 1, और ये हम भली बात ही जानते हैं कि 1 से 3 पावर कब बनेगी, 3 से 1 कब बनेगी, 1 से 2 कब बनेगी, है ना, तो फॉर्मूले की इसमें इस सवाल में वैसे कोई खास आवश्यकता नहीं थी, ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घनाभ है देयर इज ए क्यूबॉइड, एक घनाभ है देयर इज ए क्यूबॉइड, इसकी भुजाओं में अनुपात रेशो इन साइड्स, भुजाओं में अनुपात 3:2:1 है, जो साइड में रेशो दे रखी है 3:2:1 दे रखी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इट्स सरफेस एरिया, एस ए का मतलब है सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 वर्ग सेंटीमीटर, तब इसका आयतन बताओ, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तब इसका आयतन बताओ, फाइंड इट्स वॉल्यूम, जिस पर आज ट्राई करो अपना, वेरी गुड 48 सेंटीमीटर क्यूब बोलो आयतन, अगर मैं इस सवाल को करूंगा तो मुझे फॉर्मूले चाहिए, अगर मुझे नॉलेज है तो फॉर्मूले नहीं चाहिए, अगर मुझे फिर भी थोड़ी बहुत चाहिए तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग में चाहिए, तो क्या दे रखा है मुझे सरफेस एरिया दे रखा है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो घनाभ का यानी कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2lb + bh + lh, शुरू के जो एक दो पीरियड हो गए उन्होंने सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है
एल का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं तरीके से करूंगा तो मुझे इसे 3x मानना पड़ेगा, इसे 2x और इसे 1x। लंबाई आ जाएगी 3x, चौड़ाई आ जाएगी 2x, ऊंचाई आ जाएगी 1x। उन सबको यहाँ रखूंगा और एस ए जो दे रखा है सरफेस एरिया 88 रखूंगा, वहाँ से सोल्व करूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो मुझे क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। उस एक्स की वैल्यू को फिर यहाँ रखूंगा 3x में, 2x में और 1x में। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग आ जाएगी, उन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इतने टाइम क्यों लगाऊँ। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं कुछ शॉर्ट करना सोचता हूँ सवाल को, तो जो चीज़ मैं ऊपर रखता हूँ वो चीज़ मैं हमेशा नीचे रख देता हूँ। अगर मैं कहूँगा कि ऊपर एरिया तो नीचे भी एरिया, ऊपर डिफरेंस तो नीचे भी डिफरेंस, ऊपर एवरेज तो नीचे भी एवरेज, ऐसा कुछ किया जाता है। तो ये देखिए क्या है, 88 है, तो 88 क्या है बच्चों, एरिया, तो नीचे भी क्या आएगा, एरिया ही आएगा। तो मुझे जो फॉर्मूला याद है माइंड में, मैं डैड कर रहा हूँ, मुझे दो दो की मल्टीप्लाई तो करनी है, तो तीन दुनी छः, एक संख्या आ गई, दो एकम दो एक संख्या आ गई, और तीन एकम तीन एक संख्या आ गई। तो छः और दो आठ और तीन ग्यारह, मेरा ये वाला पार्ट आ गया, और ग्यारह दुनी बाईस, मेरा ये वाला पार्ट आ गया। तो ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, इसी कटिंग कर दी, ये आ गया। लेकिन ये ना भूलो, ये क्या है, एरिया। और मैंने अभी सवाल में बताया आपको कि हम भली बात ही जानते हैं कि एरिया से साइड कब बनती है, ये एरिया की टर्म आई है। मुझे क्या निकालनी है, साइड। एरिया का मतलब क्या होता है, पावर टू, और साइड यानी कि भुजा में क्या होता है, पावर एक। तो पावर टू से पावर एक कैसे बनाऊँ, अंडर रूट कर दें। तो जैसे मैंने इसका अंडर रूट करा तो क्या आ गया, टू आ गया, ये साइड आ गई है। बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में इसे अंडर रूट करना भूल जाते हैं, गलत हो जाएगा उनको। अब ये क्या आ गई है, साइड। अब मुझे क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दो की मल्टीप्लाई इनमें करूँ, तीन दो एक, ऐसे तो करूँगा नहीं करूँगा, ये लंबाई आ जाएगी, ये छोटाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो दो दिया, दो दुनी दो एकम दो, तो छः चौक चौबीस दुनी, ये क्या आ गया, आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक, ये सब आपके हाथ में होता है कि सवाल आप कितने लंबा खींच लें और कितने छोटा कर लें, किसी के हाथ में नहीं होता, आप लोगों को खुद के अपने हाथ में होता है। पहले एक बार अगला क्वेश्चन लिख लो, इसे बाद में कॉपी कर लो, क्वेश्चन जो लिखा करो जब मैं बोलूँ, ताकि कोई आगे पीछे ना रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रिथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंथ ब्रिथ हाइट ऑफ ए रूम 16 मीटर 12 मीटर 16 मीटर 12 मीटर और 10 सही 2/3 मीटर है, 10 होल नंबर 2/3 मीटर। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। कमरे में रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इन द रूम। कमरे में रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इन द रूम। तो पहले भी कर चुके हैं, क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, विकर्ण करिए। कई कमरे के अंदर जो सबसे लंबी छड़ आती है क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करो जितनी भी जल्दी और अच्छी कर सकते हो। आंसर जो है होल नंबर में दे रखा है सही बटे में, तो उसमें ले जाएगा छोड़ना।
जिसे पहला क्वेश्चन उतारना है वो कर लेना, उतार लेना, अपना ध्यान रखो आपको क्या उतारना है और क्या लिखना है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो एल और बी की मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 6, ये एंट्री आ गई है 6। ओके थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही होगी फिर भी फटाफट करो। सही 2/3 बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट। बाकी जिसे देखना है बच्चों देख लेना, d इज इक्वल टू अंडर रूट l का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, b का स्क्वायर हो गया 144 हो गया 12 का, और 10 × 30 और 2 ये हो गया 32/3, 32 का स्क्वायर होता है 1024। जितना याद रखोगे उतना ही फास्ट हो, है ना, 1024 और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9। अब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो 9 आ जाएगा, 9 की गुणा इसमें होगी फिर 9 की गुणा इसमें होगी, ये ऐसे आ जाएगा, एलसीएम तो आता ही है, तो आपने जोड़ रखा होगा मुझे बता दीजिए क्या रहा टोटल जोड़ के इसे एलसीएम लेने के बाद। मैंने सब बता रखा है आपको, बाकी फिर देखो किसी में नहीं हो पा रहा, जब इसका अंडर रूट करना है आपको कई मेथड है, फैक्टर मेथड बहुत टाइम लगेगा, फिर डिवीजन मेथड भाग विधि बहुत टाइम लगेगा, और एक बता रखा है डायरेक्ट मेथड, भूल भाल के दोबारा देख लूँ, इसका मुझे अंडर रूट निकालना है, तो ये डायरेक्ट मेथड तो वही काम करता है ना कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, तो पहले तो मैं ट्रायल से ही करूँगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और मान लिया पॉइंट में आ जाए तो मुझे डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ देख रहा हूँ, तो क्या करते हैं कि एंड में 4 दे रखा है, तो मुझे देखना होगा 4 ऐसा कौन सा नंबर है इसकी दोनों मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, एक तो 2 है एक 8 है, 2 × 4 होते हैं और 8 × 8 = 64 होते हैं, तो मैंने यहाँ 2 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया, उसके बाद वो बता रखा कि नेक्स्ट डिजिट से छोड़ देते हैं, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो अगला नंबर छोड़ देते हैं, अब ये 2 नंबर है क्या 46, तो मुझे यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे कम रहे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एक तो मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर इतना 36, क्योंकि ये 2 नंबर हैं तो फिर मुझे एक अगला भी लेना पड़ जाता है, 7 का स्क्वायर कितना, अगर मान लिया एक ही नंबर आता तो फिर 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो मैं यहाँ से 6 ले लेता और यहाँ से 2, राइट आंसर आ जाता, अगर ये 2 हो तो इधर भी 2 लेने पड़ेंगे, एक तो इससे 46 से कम और एक 46 से ज़्यादा। अब हमें ये देखना होता है कि इधर तो लेना है यही 6, मतलब इधर 7 नहीं लेते, इधर तो ये लेना है, तो यहाँ है कि यहाँ 2 लूँ या 8, तरीके तो बहुत सारे हैं बेटा, देखते नंबर आएगा मुझे समझाना पड़ता है ना चीज़ों को, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी जगह, तो 6 तो मेरा आ गया, अब मुझे देखना पड़ेगा कि 46 में और 36 में कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है,
और 46 में 49 में कितना गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो जिसमें गैप कम होगा वो नंबर ले लेंगे, अगर गैप ऊपर वाले में कम होता तो क्या ले लेता मैं 2, और गैप नीचे वाले में कम है तो क्या ले लूंगा 8, इसलिए मैं क्या ले लूंगा समझ आ गई ठीक। इसी को जरूरत भी नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 का कितना होगा 4900, तो ये नंबर 4900 के आसपास ही तो है, तो 62 तो वैसे ही नहीं आ सकता। अगर 62 होगा तो वो तो 60 गज के आसपास होगा, 60 गज का कितना होता है 3600, कहाँ 3600 और कहाँ 4600 ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। बाकी ये आ गया और इसको डिवाइड कर लोगे तो 3 × 6 × 6 22 सही 2/3। शायद ये बता रहे थे ये इसका विकर्ण आ गया है डायगोनल, यानी कि उस कमरे में जो सबसे लंबी छड़ आएगी वही है। इस क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज्यादा थी इसमें, इसलिए दोबारा बोला गया। अगला क्वेश्चन लिखें, इसे बाद में कॉपी करना, जिसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का गोला है, देयर इज ए स्फीयर ऑफ मेटल, एक धातु का गोला है देयर इज ए स्फीयर ऑफ मेटल, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इससे कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर्स मे बी फॉर्म्ड, इससे कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं, हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर्स मे बी फॉर्म्ड। यदि एक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो, इफ रेडियस ऑफ एवरी स्मॉल स्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, यदि एक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो, करिए भाई जिसे कॉपी करना है कॉपी करो, जिसे क्वेश्चन करना है क्वेश्चन करो। आइए 1728 जी बिल्कुल सही करेक्ट, जिसे देखना है बच्चों समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया कि पहले एक बड़ा स्फीयर था, बड़ा गोला था, और उसे क्या बनाई है छोटी छोटी गोली बनाई गई है, छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर बनाए गए। तो एक शब्द होता है पिघलाना मेल्ट, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो ऑब्वियसली है कि बड़े गोले से छोटी गोली बनानी तो पिघलाने के बाद ही बनेगी, वो लिखा जाए या लिखा ना जाए। और जब कभी पिघलाने की बात आ जाती है वहाँ पे या तो वॉल्यूम बराबर होते हैं, क्योंकि जो बड़ी गोल थी या बड़ा गोला था उसमें जो मेटल थी, मेटल तो ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो मेटल जितनी भी थी वही तो वॉल्यूम है उसका, पहले वो इकट्ठा हो गया बड़ी गोल बनी हुई थी, फिर उसे छोटी छोटी क्या बना दी गोली बना दी या छोटी स्मॉल।